वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए टॉपिक जो लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ट्वेल्थ क्लास के लिए हो, बीकॉम के लिए हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो बच्चे कर रहे हैं और किसी भी ब्रांच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। हमें बहुत सारे बच्चों ने मेल करके हमें बताया था कि सर नेशनल इनकम आप कवर कीजिए, हमें इसमें परेशानी आती है। तो आज हम आपके लिए नेशनल इनकम लेकर आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों। 20 नंबर का हर क्लास में एग्जामिनर इसको कवर करने की कोशिश करता है। तकरीबन 20 नंबर में ये चैप्टर आता है। तो दोस्तों रजिस्टर लेकर और पेन लेकर बैठ जाइए और समझिए क्या है नेशनल इनकम। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेट वैल्यू, सबसे पहले एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्रीगेट वैल्यू है यानी कि पूरी वैल्यू, सारी वैल्यूज, जुड़ी हुई वैल्यूज हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सभी तरह के गुड्स, यानी कि सभी तरह के उत्पाद और सभी तरह की सर्विसेज, यानी कि सेवाएं, यानी कि सभी तरह के गुड्स और सेवाओं का एग्रीगेट वैल्यू है, यानी कि उनकी वैल्यू है जो भी प्रोड्यूस की गई है, जो भी प्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन वो होनी चाहिए कहां पर? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर वो अमेरिका में प्रोड्यूस की गई है और आपका कोई लेना देना नहीं है तो वो आपके यहां पे, आपके देश में नेशनल इनकम नहीं कही जाएगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि नेशनल इनकम का होना बहुत जरूरी है। कैसे? कि वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो, प्रोड्यूस किए गए हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जैसे कि अभी जो चल रहा है वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि एक लेखा वर्ष में, हिंदी में इसे लेखा वर्ष बोलते हैं। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अपनी सीमा के अंदर, यानी कि अपनी घरेलू सीमा के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है दोस्तों घरेलू सीमा, यानी कि हमारी घरेलू सीमा के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीडीपी अलग है, नेशनल इनकम अलग है। अरे भाई अलग नहीं है वो। जो जीडीपी होता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जिसे। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है दोस्तों? वो है नेशनल इनकम का ही मानक है, यानी कि उसका इंडेक्स है, उसका एक कैलकुलेट करने का तरीका है जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सेम है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए एक बार चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। अब अगर आप देखो दोस्तों, अगर आप चार्ट बना के आते हैं एग्जाम में तो एग्जामिनर खुश हो जाता है क्योंकि उसको सारी चीज क्लियरली दिख रही होती है और आपकी जो इमेज जा रही होती है एग्जाम में वो बहुत अच्छी जा रही होती है एग्जामिनर के सामने। तो आप जरूर चार्ट बनाकर, इस तरीके से जो है चार्ट बनाकर प्रेजेंटेशन जरूर देकर आए एग्जाम्स में। देखिए क्या है, चार बातें हमें ध्यान में रखनी है नेशनल इनकम को दिमाग में रखने के लिए। कि पहली बात के एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए। किसकी एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए? सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होनी चाहिए जो कि प्रोड्यूस किए गए हो, यानी कि बनाए गए हो, उत्पादन हो उनका फाइनेंशियल ईयर में। और कहां होने चाहिए वो? अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि आपने, क्यों हम बोलते हैं सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, इसमें सारी चीजें आ गई, चावल, गेहूं वगैरह और मोबाइल फोन्स, पेंस, ये वो सारी आइटम्स आ गई आपकी, जितने भी तरह के गुड्स होते हैं यानी कि उत्पाद होते हैं जिनका प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसमें सर्विसेज भी आ गई। सर्विसेज का मतलब होता है जो सेवाएं हमने दी हैं, यानी कि जिसमें कोई टेंजिबल चीजें उपस्थित नहीं है, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी जाती हैं विद कंसिडरेशन, यानी कि कुछ पैसों में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बस में यात्रा कर रहे हैं आप, तो बस वाला आपको कोई भी वस्तु नहीं देता है, वस्तु के बदले में वो आपको सेवाएं दे रहा है अपने बस की। तो ये होती हैं सेवाएं। तो इसमें क्यू में इंक्लूड है हमारे पूरे एक साल में, हमारे पूरे भारत ने जितनी भी उत्पादन किया है, जितनी भी सेवाएं दी हैं, उनका जो मूल्य है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी जो
वैल्यू आ जाएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट्स दैट इज नेशनल इनकम। और अगर नेशनल इनकम को मैं एक बहुत छोटे से सिंपल से तरीके से समझूं तो नेशनल इनकम क्या है दोस्तों, देखिए किसी के घर में मान लीजिए किसी के फादर हैं, अर्न करते हैं, उनके बेटे दो बेटे हैं, अगर वो दोनों अर्न करते हैं तो उनकी घरेलू जो इनकम होगी, हम कहेंगे जो उनकी डोमेस्टिक इनकम जो है वो कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पिताजी की इनकम को प्लस करना पड़ेगा, बेटे की इनकम को प्लस करना पड़ेगा और दूसरे बेटे की इनकम को प्लस करना पड़ेगा। जब तीनों तीनों की फादर की एंड दोनों सन की जब इनकम को हम प्लस कर देंगे तो हम कहेंगे ये तो इनके घर की वैल्यू आ गई, यानी कि इनके घर की इनकम आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरे देश पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि पूरे नेशन पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति ने, सारे व्यक्तियों ने मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस किए हैं एक साल में, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी कि हमारे पूरे राष्ट्र की इनकम, यानी कि पूरे एक साल में हमारे इंडिया ने कितनी इनकम जनरेट की, यानी कि कितना पैसा जनरेट किया, दैट्स इट द नेशनल इनकम। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नेशनल इनकम, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी अगर आपकी इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको तो हमें जरूर कमेंट कर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स एक और खास बात, हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाई है कि आप कम समय में पढ़कर कैसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी गई हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, सारा उसकी जो रिलेटेड जानकारी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। फ्रेंड्स हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, टेन्योर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।